तरीके से हम लोग को भाईचारे से मिलन देख करके हम लोग को पालन में इसको ईद मनाना है। साथ ही साथ यह भी हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया सबको कि किसी भी परिस्थिति में अफवाहों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया में गलत बातों को नहीं फैलाना है। यदि कुछ ऐसी चीज़ें संज्ञान में लोगों को आती है, कुछ भी आपत्तिजनक चीज़, तो सीधे प्रशासन को अपना सूचित करें। इसके अतिरिक्त हम लोग जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया है उसको भी हम लोग पेट्रोलिंग, गश्ती और प्रशासन जो सहयोग है वो हम लोग करने का करेंगे हर संभव। नमस्कार। शांति समिति की बैठक आगामी बकरीद पर्व को लेकर की गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के तहत अपने घर में नमाज अदा करने का निर्देश देते हुए चार से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित न होने का निर्देश देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्देश दिया गया। समिति के सदस्य जन अन्य गणमान्य व्यक्ति सभी का हम प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्यौहार के पहले ये परंपरा रहा है कि एक शांति समिति की बैठक की जाती है, और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो आने वाला त्यौहार हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, वह त्यौहार बहुत ही खुशी से मने, अमन चैन से मने। और इसी के तहत आज की भी ये कड़ी जुड़ा हुआ है। हमारा दो दिन बाद बकरीद का त्यौहार है, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पिछला त्यौहार अर्थात होली, रामनवमी और ईद मना है कोविड को देखते हुए, उसी तरह बकरीद का भी त्यौहार मने। कोई इसमें पाबंदी नहीं है, आप पूरे हर्षोल्लास खुशी के साथ बकरीद का त्यौहार मनाएं। लेकिन इसमें एक ही है कि जो कोविड 19 के तहत गाइडलाइन है उसको आपको अनिवार्य रूप से पालन करना है। और ये कोई थोपा हुआ बात नहीं है, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, आपके समाज से जुड़ा हुआ है, और आपको और हमको